जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक विंटर वॉरफेयर और दूसरा माउंटेन वॉरफेयर। लेकिन माउंटेन में लड़ने से पहले माउंटेन सर्वाइवल स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर माउंटेन्स और स्नो में आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते तो वहां पर लड़ाई लड़ोगे कैसे। बेसिक चीज है सर्वाइवल का, और उसी के 5 बेसिक रूल्स आज मैं आपसे शेयर करता हूं। कभी अगर आप माउंटेन पर जाते हो, भले ही टूरिस्ट के तौर पे, आप इन सब रूल्स को अप्लाई करके देखना। देखिए, माउंटेन्स एरियाज में यानी बर्फ वाले इलाके पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी रहती है। वहां पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ होता है, और बर्फ सफेद कलर के होते हैं, और धूप जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, और उस रिफ्लेक्शन के वजह से आपके आंखों पर होता है स्नो ब्लाइंडनेस। अब ये स्नो ब्लाइंडनेस है क्या? आप कभी भी नोटिस करना कि आप बाहर कड़कड़ाती हुई धूप में 10-15-20 मिनट रहो और उसके बाद अचानक घर के भीतर आ जाओ तो भीतर आपको कुछ दिखेगा नहीं। यही होता है एक तरीके के ब्लाइंडनेस, और माउंटेन्स पर इसे कहा जाता है स्नो ब्लाइंडनेस, क्योंकि चारों ओर व्हाइट कलर और उसके ऊपर धूप पड़ने के वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है उसके वजह से आपका जो आईज है वो डार्क एरियाज को और अलग कलर्स को देख नहीं पाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए मिलिट्री में यह सिखाया जाता है कि माउंटेन्स में एक अच्छे ग्रेड के सनग्लास आपको पहनना पड़ेगा। सनग्लास पहनने के वजह से जो व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट होकर के 4-5 गुना होकर के आपकी आंखों पर पड़ता है, स्ट्रेन देता है आपकी आंखों के ऊपर, वो चीज नहीं होगी। दूसरी चीज, माउंटेन एरियाज पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। अब अगर बॉडी में आपके ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। तो इसीलिए मिलिट्री में जब कभी भी कंपनी बटालियन मूव करती है तो वो धीरे धीरे ऊपर जाती है। मान लीजिए 17,000 फुट पर जाना है तो पहले वो 6,000 पर 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद 10,000 पर, उसके बाद 13,000 पर, उसके बाद जाकर के 17,000 पर रुकेंगे। इससे होगा ये कि आपके बॉडी को उसी लो लेवल ऑक्सीजन में काम करने की आदत पड़ जाती है और उसके बाद दिक्कत होना कम हो जाता है। आप सोचो, आप किसी भी जगह पर खड़े हो तो जब आप खड़े हो तो आपके बॉडी के ऑक्सीजन नीड्स बहुत कम है, लेकिन अगर आप भाग रहे हो तो बॉडी के ऑक्सीजन नीड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब सोचिए, माउंटेन्स पर वैसे ही ऑक्सीजन कम होता है, और उस जगह पर अगर आप मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में भागते हो तो वहां पर बॉडी में ऑक्सीजन की भयानक कमी हो जाती है, क्योंकि आसपास ऑक्सीजन बहुत कम है और उस वक्त पर ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो ब्रेन कोलैप्स भी कर सकता है। इसीलिए आर्मी में धीरे धीरे ऊपर भेजा जाता है। देखिए, माउंटेन सर्वाइवल रूल का तीसरा रूल ये है कि माउंटेन्स में बहुत सारे लेक्स होते हैं, और जब बहुत कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ती है, बर्फबारी होता है, तो वो सारे लेक्स फ्रोजन हो जाते हैं, जम जाते हैं, उसके ऊपर मोटी बर्फ की परत हो जाती है और उसके ऊपर आपको चलना मना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल ऐसे हैं जो उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर स्केटिंग भी करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक रेड फ्लैग है, क्योंकि लेक्स के ऊपर जब बर्फ जमती है तो वो एक समान से नहीं जमता है, कहीं पर ज़्यादा मोटा जम जाएगा, कहीं पर पतला जम जाएगा, और अगर आप उस पर चलते हो या फिर दौड़ लगाते हो या फिर स्केटिंग करते हो सकता है कि बर्फ टूट करके आप लेक के अंदर भी जा सकते हो, और अगर आप लेक के अंदर एक बार चले गए और वहां पर अगर आप फंस गए तो वहां से बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फ्रोजन लेक की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर टेम्परेचर -10 से लेकर के -30-40 ऊपर जा सकता है। मैं ब्रिगेडियर शेखावत साहब का एक स्टोरी सुन रहा था, वहां पर शेखावत साहब एक फ्रोजन लेक के ऊपर लेह लद्दाख साइड में एक मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके ऊपर दौड़ते भी हैं, और दौड़ते दौड़ते अचानक बर्फ टूट करके वो नीचे भी गिर जाते हैं, और तब भी वो मरे नहीं, ऊपर बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद रुकते नहीं, 2-3 किलोमीटर और दौड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर कोई ब्रिगेडियर शेखावत नहीं हो सकता। माउंटेन सर्वाइवल का चौथा रूल ये कहता है कि लूज स्नो को आइडेंटिफाई करना। माउंटेन्स में होता यह है कि दो पहाड़ों के बीच में बर्फ गिरता है और बर्फ का एक चादर बिछ जाता है, देख करके लगता है कि ये एक रास्ता है जाने का, लेकिन वो रास्ता है नहीं, वो पतला सा बर्फ का एक लेयर है जो लूज स्नो है वो उस पर पड़ा हुआ है। उस पर जैसे ही कोई चलेगा या फिर एक सर्टन वेट उसके ऊपर पड़ेगा तो वो धस करके नीचे चला जाएगा। नीचे हो सकता है 20-30 फीट की खाई हो, हो सकता है उससे ज्यादा हो। तो नीचे अगर कोई चला गया और उसके ऊपर चारों ओर से बर्फ गिरेगा तो उसका बचना तो नामुमकिन हो जाता है। इस तरीके का लूज स्नो को देख करके आइडेंटिफाई करना है। लेकिन जब बर्फ चारों ओर होता है तब इस तरीके का लूज स्नो को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दो पहाड़ों के बीच में अगर स्नो जमा हुआ है तो उसको पार करने का एक रूल बताया जाता है। रूल ये है कि सबसे पहले एक बंदा पार करेगा उसको। एक बंदा जब पार करेगा तो हाथ में और कमर में रस्सी डाल करके वो पार करेगा, यानी कि अगर चलते हुए वो गिर जाता है तो इधर खड़े हुए लोग उनको रस्सी से खींच करके ऊपर ला सके, और अगर वो बंदा पार कर जाता है तो पार करके उस पार जा करके वो रस्सी को किसी पेड़ के साथ में या फिर किसी पहाड़ के साथ में बांध देगा, और रस्सी को पकड़ते हुए एक एक करके
आदमी उस रास्ते को पार करेंगे। इससे होगा ये कि किसी भी सिचुएशन में आपकी जान बच जाएगी। अगर आपके कमर में रस्सी लगी हुई है तो अगर आप गिर भी जाते हो तो रस्सी को खींच करके पीछे खड़े लोग या फिर आगे खड़े लोग आपको ऊपर उठा सकते हैं और इस तरीके से आपकी जान भी बच सकती है। माउंटेन सर्वाइवल का पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण रूल ये है कि माउंटेन में जितने भी मिलिट्री टेंट्स होते हैं, कई सारे लोग अपने पर्सनल टेंट लगा करके भी रहते हैं, उनके लिए ये चेतावनी है कि कभी भी टेंट के भीतर आप आग मत लगाया करो। आपको लगेगा कि आग अंदर लगा देते हैं तो अंदर गर्म रहेगा, लेकिन अगर 3-4 लोग वहां पर हैं, अगर आप अकेले भी हो, फिर भी अगर आप अंदर आग लगाते हो और बाई एनी चांस सो जाते हो तो वहीं पर आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि जो आग जलती है वो आसपास के ऑक्सीजन को लेकर ही जलता है। एक तो माउंटेन एरियाज पर ऑक्सीजन कम है, उसके बाद आप चारों दिशा पर टेंट लगाए हुए हो तो और बाहर की जो फ्रेश एयर है वो आसानी से अंदर आ नहीं सकता क्योंकि टेंट के भीतर आप बैठे हुए हैं, और इस तरह के सिचुएशन में अगर आप सो जाते हो तो आपका ब्लड प्रेशर धड़धड़ा के नीचे जाएगा और आपका हार्ट कोलैप्स हो जाएगा, आप वहीं पर खत्म हो जाओगे, पूरा शरीर फूल जाएगा, कि मीठी मीठी सी नींद आएगी, नींद में गए आप वहीं पर खत्म हो गए। आग अगर आपको जलाना है बाहर जला दो, आपके लिए सेफ रहेगा। देखिए माउंटेन सर्वाइवल्स का रूल मैं आपको जितनी भी बता दूं, इन सबसे ऊपर होता है एक्सपीरियंस। जितने भी लोग एवरेस्ट चढ़ रहे हैं वो अपने साथ में शेरपाज को लेकर के क्यों चलते हैं, क्योंकि शेरपाज के पास में एक्सपीरियंस है, उस पहाड़ के बारे में जानकारी है, उन्होंने अपना बचपन बिताया है उन्हीं पहाड़ी इलाकों पर। लेकिन ये बेसिक माउंटेन सर्वाइवल का रूल होता है जो सबको फॉलो करना ही है। इन सब जगह पर अगर आप चूक गए तो आपकी जान तक जा सकती है। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके का डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह के ट्रेनिंग रिलेटेड वीडियोस अगर आप और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके ऊपर और काम करेंगे और आपके लिए वीडियोस पब्लिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।